IDF ने अल-शिफा अस्पताल को एक घंटे के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दिया, लाउडस्पीकर से की घोषणा। नेबलस में IDF और सिनबेट के ज्वाइंट ऑपरेशन में कई हमास कमांडर मारे गए, हमले में हमास की युवा ब्रिगेड का मुखिया मोहम्मद जहाद की मौत। यरूशलम में हमास लड़ाकों का इजरायली सेना पर अटैक, IDF की जवाबी कार्रवाई में 3 लड़ाकों की मौत। वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF पर हमास का अटैक, IDF के आर्म्ड वाहन को मोर्टार से उड़ाया। गाजा में इसराइल का ताजा हमला, IDF ने आर्टिलरी से गोले दागे, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। वेस्ट बैंक में IDF और हमास की जंग, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, इजरायली फोर्स ने हमास को घेरा। IDF ने यहां सिनवार को बंकर में घेरने का किया दावा, 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। इसराइल का गाजा पोर्ट पर बड़ा हमला, कई हमास लड़ाके ढेर पोर्ट पर कब्जा किया। बमबारी से रामल्ला में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, 35 में से 26 अस्पताल बंद हुए, 52 हेल्थ सेंटर भी बंद। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने किया कब्जे का दावा, पूरे इलाके में लगाए इजरायली झंडे। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बेस को ध्वस्त किया, हथियार उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता था बेस। हमास का इजरायली स्पेशल फोर्स पर हमला, कई सैनिकों को मारने का दावा, हमले का वीडियो जारी किया। उत्तरी गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर इसराइल की भीषण बमबारी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप, कई मरीजों की मौत। वेस्ट बैंक के बलात शिविर में बड़ा धमाका, IDF ने किया हमला, बड़े नुकसान की खबर। न्यूज एजेंसी का दावा, इसराइल की बमबारी में खान यूनिस में 26 फिलिस्तीनी मारे गए, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल। खान यूनिस में IDF ने नासर अस्पताल के पास किया हवाई हमला, एक इमारत को इसराइली सेना ने बनाया निशाना। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के पास IDF के हवाई हमले से कोराम गोलाबारी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत। गाजा में टेलीकॉम कंपनी को ईंधन की आपूर्ति, पालटेल को दिया गया 17,000 लीटर तेल, राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचा टैंकर। फ्यूल सप्लाई के बाद गाजा में कई इलाकों में संचार व्यवस्था फिर से शुरू, 2 दिन से बंद थी सेवाएं। गाजा में इजरायली सेना और हमास में भीषण जंग, हमले में हमास के कुछ लड़ाकों की मौत। अल-शिफा अस्पताल के ICU में भर्ती सभी 22 मरीजों की मौत, अस्पताल में पानी और खाना खत्म, 3 दिन के अंदर 55 मरीजों की मौत। गाजा में IDF ने टैंकों से बनाया झंडे का सितारा, जान गंवाने वाले जवानों को किया याद। वॉशिंगटन में रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन, गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग। इटली में फिलिस्तीन का समर्थन, लोगों ने पीसा की मीनार पर फिलिस्तीनी झंडा लहराया। एथेंस में अमेरिकी दूतावास के सामने लोगों का प्रदर्शन, गाजा में इसराइल के हमले का विरोध, अमेरिका से युद्ध रुकवाने की मांग।